हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल पहुंचे और यहां पर खुला दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पिहोवा में शहरी और गांव की सड़कों के नवीनीकरण के लिए सरकार ने 25 करोड़ का बजट दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सभी घोषणाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा। वहीं मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पिहोवा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तराशने के लिए एक बड़ा इंडोर हॉल, एक बड़ा स्टेडियम और एक छोटा खेल प्रांगण बनाया जाएगा और इन परियोजनाओं के लिए सरकार की तरफ से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी ही परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। आज सुबह से बैठे हुए हैं, लोगों की जन समस्याएं सुनी हैं और मोस्टली समस्या ये थी कि कोई सड़क की, कोई गली की, कोई पंचायत के काम के, कुछ लोगों के शहरों के काम के, कुछ पानी को लेकर था, कुछ सीवरेज वाटर को लेकर था, कुछ पब्लिक हेल्थ के थे, कुछ पुलिस के काम थे। तो सभी विभाग के लोग आ जाए हैं, हमारे एसडीएम पिहोवा के हमारे साथ थे, सभी अधिकारी थे, सभी उपस्थित थे। जो जो काम थे उसको दिशा निर्देश दिए और लगभग इस पिहोवा हल्के के अंदर 25 करोड़ की सड़कों के काम अभी हमें मिले हैं और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी उसके काम भी आगे बढ़ाए हैं और लगभग ये बरसात का मौसम जैसे ही खत्म होगा तो सारे काम शुरू हो जाएंगे। स्टेडियम हमारे यहाँ पिहोवा के अंदर दो, एक बड़ा स्टेडियम, एक बड़ा इंडोर हॉल और एक छोटा जो है खेल के मैदान जो है वो आ गए हैं, वो उसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, टेंडर लगने वाला है। तो पिहोवा को ये बहुत बड़ी सौगात मिल रही है स्टेडियम की और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने बहुत सी चीजें हमें दी। बहरहाल खुले दरबार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने खुलकर अपने मन की बात की और समस्याएं खेल मंत्री के सामने रखी। संदीप सिंह ने भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।